दोस्तों, जंगल में जानवरों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जब कोई जानवर पानी पीने आता है तो उसे इस खूंखार का सामना करना पड़ता है। ये मगरमच्छ इतने निर्दयी होते हैं कि ये किसी को नहीं बख्शते। इनके जबड़े में कोई अगर जानवर आ जाए तो उसका बच पाना बेहद मुश्किल होता है। मगरमच्छ को पानी का शैतान कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस साइलेंट तरीके से ये हमला करता है उस तरीके से कोई और नहीं करता। तो चलिए देखते हैं, जब मगरमच्छ हाथी, शेर और सांप से टकराया तो इसका क्या हाल हुआ। लॉयन। दोस्तों, शेर जंगल का राजा है, लेकिन पानी का शेर मगरमच्छ है भाई। क्या होगा जब इन दोनों के बीच लड़ाई होगी? जरा इस वीडियो को देखिए, जहां शेरों ने एक भैंसा पकड़ा हुआ था, तभी अचानक मगरमच्छ आ जाता है। तभी अचानक शेरों की नजर उस पर पड़ती है तो भाई साहब, मगरमच्छ सीधा पीछे हो लेता है। ज्यादातर मौकों पर देखा गया है कि शेर मिलकर शिकार करते हैं और इसी वजह से मगरमच्छ कभी भी इनका शिकार कर नहीं पाते। हिप्पोस। मगरमच्छ की तरह पानी में एक और विशालकाय जीव रहता है, जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। वैसे तो हिप्पो और मगरमच्छ आपस में टकराते नहीं हैं, लेकिन जब टकराते हैं तो बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि मगरमच्छ किस तरह हिप्पो के झुंड में फंस गया और ये हिप्पो मिलकर उसे फुटबॉल समझ कर इधर उधर फेंक रहे हैं। एलिफेंट। दोस्तों, मगरमच्छ बिना कुछ सोचे समझे किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं। जैसा कि इस वीडियो में, हाथी का झुंड पानी पीने के लिए आया था, लेकिन उन्हें क्या पता था मगरमच्छ मामू उनका घाट लगाए हुए बैठे हैं। हालांकि मगरमच्छ को पता होता है कि वो हाथी का शिकार कर नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी वो उनकी सूंड को निशाना बनाते हैं। दोस्तों, कई वीडियो में ऐसा देखा गया है कि हाथी ने अपने पैर से इन मगरमच्छ को कुचल दिया। बफेलो। दोस्तों, भैंसों का शरीर देखकर शेर भी हमला करने से पहले 10 बार सोचता है, मगर पानी में तो भैया भैंसा क्या, हाथी भी सेफ नहीं है। मगरमच्छ नाम का ये शैतान किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, मगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि पानी के बाहर भैंसों ने मिलकर उठा उठा कर फेंका है। ये देखिए कैसे इस वीडियो में भैंस इस मगरमच्छ को उछाल उछाल कर पीट रही है, और ये देखिए कैसे एक भैंस को मगरमच्छ ने गर्दन से पकड़ रखा है। मगर भैंसा इतना ताकतवर है कि मगरमच्छ को ही खींचकर बाहर ले आया, और जब मगरमच्छ ने देखा कि यहाँ तो दुश्मनों की भीड़ जमा है तो उल्टे पैर भागा और वापस पानी में जाकर दुपक गया। टाइगर। दोस्तों, टाइगर से पंगा किसी ने लिया है जो अब लेगा, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो किसी से भी भिड़ जाता है, चाहे वो मर जाए लेकिन भिड़ जाएगा। आज तक इनके बीच जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें हमेशा टाइगर ही जीता है, क्योंकि टाइगर का जो एक मास्टर स्ट्रोक होता है वो क्रोकोडाइल की हैंकड़ी निकाल देता है। टाइगर हमेशा क्रोकोडाइल के पीछे से वार करता है और उसे चीर देता है। लड़ाई भले ही पानी में हो या फिर जमीन पर, टाइगर हमेशा ही मगरमच्छ पर भारी पड़ता है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें तीन टाइगर मगरमच्छ पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे। ये देखो, मगरमच्छ की तो हवा ही निकल गई, इन्हें देखकर वो सीधा पानी में बैक हो लिया। पायथन। दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जिसके जहर से कोई बच नहीं पाता, लेकिन तब भी मगरमच्छ इन पर हमला कर देते हैं। मगरमच्छ चाहे तो इनको दो पार्ट में क्यों ना काट दे, लेकिन आपको पता है सांप एक ऐसा जीव है जिसकी गर्दन कटने के बाद भी वो कुछ समय तक जिंदा रहता है और वो डंक मारकर किसी को भी मार सकता है। कई मौकों पर देखा गया है कि पायथन जैसे खतरनाक सांप इन्हें जिंदा निकल जाते हैं। वाकई में सांप से लड़ना मगरमच्छ के बस की नहीं है। जैगुआर। दोस्तों, अब बात करते हैं इकलौते एक ऐसे जानवर की जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये पानी में घुसकर मगरमच्छ को पकड़ लेता है, वो भी अकेले। जैगुआर हमेशा बिल्कुल शांति से और अकेले शिकार करता है। भाई, इसकी ताकत और जज्बे को सलाम है। देखो, वो पानी में तैर कर मगरमच्छ को मिनटों में पकड़ लेता है।